evening, all of you. Today we are going to learn modal verbs, and it's also called modal verb. It depends upon your pronunciation. So modal verbs are can, could, would, should, and some are must and might also. But we are going to discuss can, could, would, should. Like can is always used with present tense, and could is used in past tense. Can ka matlab hai main ye kar sakta hu. Like I can score 90% in my board exam. Could jo बीत चुका है, जैसे कि मैं जब 5 साल का था तब से मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ. लाइक आई कुड क्लाइंब द ट्री सिंस आई वाज 5 years old. राइट. वुड वर्ड इज यूज फॉर परमिशन, एंड शुड इज ऑल्सो यूज फॉर गिविंग ऑर्डर्स. लाइक आई कैन एक्सप्लेन. जैसे हम इंग्लिश हमें तभी आती है जब हम समझते हैं, जब हम रटते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती. अगर मैं आपको शॉर्ट में बताया, अगर हम परमिशन के लिए कुड एंड वुड आर सिस्टर्स, एंड इफ आई से शुड इज योर मदर, ये वर्ड्स हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं. लाइक वुड आई हेल्प यू और कुड आई हेल्प यू. सो इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों बहनें हैं. अगर हम वुड की जगह कुड यूज करते हैं और कुड की जगह वुड यूज करते हैं, देयर इज नो एरर इन दैट. फाइन. एंड इफ आई से कि शुड हमारी मदर है, इस तरह से आप कभी भी नहीं बोलेंगे. मदर्स का काम क्या होता है कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको नहा लेना चाहिए. ओके, अगर